हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम चैप्टर टू, अगर मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो बच्चा चोर चैप्टर टू। तो इधर आप लोगों को मेरा एक करेक्टर दिख रहा होगा और ये जो है जे है और मैं जो है इस गेम को हार्ड मोड में खेलने वाला हूँ। और हार्ड मोड को खेलने के होते हैं तीन रूल, और तीन रूल में से सबसे पहला रूल होता है कि हमें कि रॉड्स अंकल जो है इसमें से बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज का मतलब मेरे पीछे भागेंगे। और इसमें जो है हमें तीन अटेम्प्ट मिलेगी और रॉड्स अंकल जो है कुछ भी सुन सकते हैं। अगर मैं जो है तीन की जितने भी आवाज़ करूँगा ना वो भी सुन लेंगे। और मेरे को जो है इस बार अपनी कोई फ्रेंड होगी उसको बचाना पड़ेगा। और पहले जो है इसमें ये विंडो खोलेंगे और इसका जो है कट सीन भी देख लेते हैं। भाई ये देखो, ये रही इसकी दोस्त, ये इसको खेलने के लिए बुला रही है। और जरा ये पीछे तो देख ले, वो आइसक्रीम अंकल हैं, किडनैपर। भाई चोरी हो गई, अभी किडनैप हो गए, अभी बच्चा चोर ने पकड़ लिया इसे। और ये जो है हमने देख लिया है एज यूजुअल, जो चैप्टर वन में भी था और वही जो है इसमें भी है। और इधर पे क्या है, हमें क्या लेनी पड़ेगी? अच्छा बेड लेना पड़ेगा इधर पे, हमें बेड नहीं मतलब ब्लैंकेट लेनी पड़ेगी। बेड पूरा लेके कहा मैं नीचे जाऊँगा, ब्लैंकेट को यहाँ से नीचे फेंकते हैं। बस यहाँ पे ये स्लिंग शॉट है तो ये लेके जो है नीचे चलते हैं। ये यहाँ डोर से भी तो आ सकता है क्या, यहाँ से एकदम सुपर हीरो की तरह आने की ज़रूरत है। और इधर पर जो है हमें हाइट प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। मेरे को तो नहीं लगता है चैप्टर टू होगा, चैप्टर वन को ही रिपीट कर दिया है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर रखे हैं। और अब मैं जो है इसका मैप लेने जाऊँगा, ये जो है थोड़ा हार्ड में। तो अंकल की स्पीड भी देखेंगे कितनी तेज़ दौड़ते हैं। अच्छा आ गया वो, वैसे लगभग थोड़ा तेज़ तो दौड़ रहा है लेकिन उतना भी नहीं दौड़ पा रहा है। पहले मेरे को यहाँ पे छुपना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे को पकड़ लेगा। और इधर पे पहले मैं मैप लगा लेता हूँ, मैप लगाने के बाद चलता हूँ मैं सीधा सिनेमा में। पता नहीं सिनेमा में कुछ होगा या तो नहीं होगा। और इधर पे कौन सा कट सीन आ गया, मार्च 1954। भाई ये क्लासरूम में बैठा हुआ है और यहाँ पे रो रहा है। अरे क्या इसके फ्रेंड बैठे हुए हैं, भूत है क्या इसके फ्रेंड की आत्मा है? फ्रेंड भी अच्छे से नहीं दिख रहे। ऐसे इसे चबी चबी बोल रहे हैं, मतलब अच्छा ये जो, और ये जो है थोड़ा बहुत मोटा होगा और फैटी होगा तभी इसे चबी चबी बोलते हैं सब। चर्बी बोलते सिद्धा या तो मोटा ही बोल सकते हो चढ़ाने के लिए। और ये जो है मैं इधर सिनेमा में तो पहुंच चुका हूँ और सिनेमा में देखते हैं क्या पता कुछ होगा। लेकिन भाई ये सिनेमा में आते ही भाई इस अंकल ने तो मेरे पीछे पड़ गए। भाई इतना तेज भाग रहा है ना ये बंदा, ऐसा लग रहा है ओलंपिक तो यही जीतेगा क्योंकि हार्ड मोड में जो है ये बहुत ही तेज भागता है। इधर पे कुछ टूल बॉक्स मिल गया, इसमें तो पक्का कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। उसने पकड़ लिया उसने मेरे को। वो इधर पे कुछ है, और ये टैडी कहाँ के काम आएगा, और ये परफ्यूम भी कहाँ के काम आएगा। और मेरा कैरेक्टर भाई भागे नहीं पा रहा, और मैं जो है इधर अंदर पे आ चुका हूँ। और ये अच्छा यहाँ पे अलार्म क्लॉक है। भाई मेरे को तो नहीं लगता अभी यहाँ अंदर कुछ पे, भाई मेरे को तो नहीं लगता है इधर अंदर कुछ होगा, खाली वो क्लॉक है, उस क्लॉक का पता नहीं किधर काम होगा। तो अभी चलता हूँ मैं दूसरी जगह पे। तो इधर पे जो है मैं स्टॉल में तो आ चुका हूँ। भाई ये तो एक इतनी छोटी सी जगह है, अबे उस अंकल ने देख लिया इतनी छोटी सी जगह में। ये भी खोल ही देते हैं लगे हाथ, क्योंकि नहीं तो अगर मैं बाद में खोलूंगा उस अंकल को आवाज़ तो आ ही जाएगी। और इधर अंदर पे जो है होता है टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इधर अंदर मैं चेक कर लेता हूँ पहले ड्रॉअर में, क्योंकि इसमें भी टूल बॉक्स होता है। और प्लायर मिल गया, बहुत ही बढ़िया। पहले इधर पे जो है मैं छुपे रहता हूँ, बस अंकल आ जाए। अच्छा अंकल तो उधर पे अपने पता नहीं कौन से नशे में उधर देख रहे हैं। चलो ये काट दिया मैंने, और ये भी खोल देते हैं। अबे अंकल आ गए। और इधर पे क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये कैंडल है वैसे तो, ये मेरे को तो अब समझ में आया कैंडल है। और कैंडल का काम होता है इस कैंडल का काम होता है इस सेमेट्री में। तो इधर चलते हैं हमें सेमेट्री में, सेमेट्री मतलब बोले तो कब्रिस्तान। तो ये जो है मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। चलो जा रहा है तो बढ़िया ही है, फालतू का इसे छेड़ते नहीं है। जाओ अंकल जाओ, चुपचाप से जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना, पीछे मत मुड़ना बस। चलो भाई बढ़िया। और उधर आगे पे जो है मेरे को ये कैंडल लगाने पड़ेंगे, वो जा रहा वो। और ये जो है मैंने इधर पे कैंडल लगा लिया है, और अब आएंगे इधर पे ये अंकल। और ये अंकल जो है उधर पे वो मैच स्टिक गिरा देंगे, और उधर से जो है मैं मैच स्टिक ले लूँगा, मतलब मैच बॉक्स ले लूँगा। मैच स्टिक तो एक होती है, मैच बॉक्स ले लूँगा।
और उसका जो है आगे हमें एक बॉम्ब फोड़ने में काम आएगा, क्योंकि अभी इसमें जो है मेरे को बॉम्ब भी फोड़ना है। चलो अच्छा वो अंकल तो जला रहे हैं वो देखो, चलो अंकल बहुत ही बढ़िया, ऐसे जलाना चाहिए। और अभी इधर मत आना, मैं तो पहले बता रहा हूँ। बढ़िया अंकल, आप तो बहुत ही बढ़िया गाना गा रहे हो। चलो वो अंकल कहीं अंदर तो चलेगा, इधर से मैच बॉक्स ले लेते हैं और मैच बॉक्स को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि इसका काम जो है इधर पे होगा। सबसे पहले तो इधर के डस्टबिन चेक करने पड़ेंगे मेरे को, बस अंकल ना आ जाए पीछे से, धप्पा ना कर दे बस। उसके अंदर मेरे को स्पेशल पास मिल गया, जिंदगी में पहली बार ही मेरे को सीधा स्पेशल पास मिल गया, नहीं तो बहुत ढूंढना पड़ता है। अभी मैं इधर पे फंस जाऊंगा, तो इधर पीछे पे चलते हैं ना। और इधर पे जो है इसके दोस्त रहते हैं। अच्छा मेरा नाम जो है इसमें जे है, और ये कोई सीक्रेट लेन है, और तू कौन है भाई? अच्छा ये चार्ल्स है। अच्छा तू किंग है इधर का, चलो भाई। और तू ये क्या है, मैक है कोई? माइक है वैसे कोई। अभी जो है आप लोगों को ये बिल्डिंग दिख रही होगी, तो अभी जो है आप लोगों को ये बिल्डिंग दिख रही होगी, तो इस बिल्डिंग के जो है मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। पहले ये डोर भी खोल ही देते हैं, बस वो अंकल ना आ जाए। अबे अंकल अंदर ही हैं। अबे अंदर से कैसे आया भाई ये? लेकिन मैं इधर से निकलूं कैसे? अच्छा इसे पुश करना पड़ेगा। अब पुश करने के बाद इधर पे चढ़ना है। अच्छा इधर मैं जो है अब रूफ से निकल सकता हूँ। फिर से भाई अंकल इस घर के अंदर ना हो बस। अबे अंकल यहीं पे ही हैं। अबे यार शिट बैंकर, लास्ट चांस है अब मेरी। अब मेरे को तो नहीं लगता मैं यहाँ पे एस्केप भी कर पाऊंगा भाई। इधर पे मेरे को कुछ चीज तो नहीं मिली। अबे ये तो रहा हैमर है इधर पे भाई, हैमर सीधा यहाँ पे रखा हुआ है। अबे ये क्या आवाज आ रही है, कुछ ज्यादा ही तगड़ा नहीं तोड़ दिया मैंने? और अंकल किधर पे है? सीधा उसके पहले हेडशॉट ही मारूंगा इधर ऊपर से, भूत रावो। चलो लग गया उसके, बदला तो मैंने ले ही लिया, कुछ भी कहो। और फिर से चलते हैं सर्कस में। और स्पेशल रूम किधर पे है? स्पेशल रूम का तो नहीं पता वैसे। बस अंकल ना आते हो उसके अंदर, चलो भाई नहीं आते होंगे। तो ये जो है इसे देना पड़ेगा मेरे को परफ्यूम। चलो इसने मेरे को कुछ चीज तो दे दी। और वो अंकल कहाँ है? अच्छा वो तो उधर पे जा रहे हैं। चलो अंकल जाओ जाओ, बहुत ही बढ़िया, उधर पे घूमते रहना, इधर मत आना, मैं तो पहले बता रहा हूँ भाई। अब अंकल तो पक्का आ सकते हैं, तो मैं फटेक से यहाँ पे कैट फूड देख लेता हूँ। डस्टबिन में भी कभी कभार निकल जाता है, लेकिन इधर डस्टबिन में तो है नहीं। भाई अंकल की आवाज आ रही थी मेरे को, लेकिन अंकल तो नहीं दिखे। क्या पता फ्रीजर में रखा होगा, फ्रीजर में भी नहीं है। और अभी जो पहले मैं इसके छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी चढ़ क्यों नहीं रहा? चलो चढ़ गया। अच्छा ये रही ना केबल, केबल से मैं जो है मैं उधर पे जाना पड़ेगा। और अब जो है इधर पे कूदूं, अबे गलत जगह कूद गया, चढ़ गया फिर केबल पे लटकते हैं। और इस बार मैं कूदूंगा यहाँ पे, यहाँ पे कूदना था भाई, बस टाइमिंग का खेल था ये। वैसे पहले इसे पुश करना पड़ेगा मेरे को, और फिर ये गेट खुलेगा। यहाँ पे देखते हैं पता नहीं क्या लगाना होगा मेरे को यहाँ पे। अच्छा स्क्रूज लगाना है इधर पे। अच्छा ये तो रहा ना कैट फूड, तभी मैं सोचू कैट फूड पता नहीं किधर पे है। चलो इधर पे मैंने खोल तो दिया, अब हल्ला तो इधर पे पक्का हुआ है। और यहाँ पे मेरे को ये फेंकना पड़ेगा। और अब आएगी वो बिल्ली, अब जल्दी आना, इतनी देर क्या लगा रही है ये। चलो ये बिल्ली मैंने पकड़ ली। ओ भाई अंकल यहीं पे थे भाई, यार शिट। आइसक्रीम वन में भी मेरे साथ ऐसी हुआ था, मैं जब पहले चांस में स्केप ही नहीं कर पाया, और सेकंड चांस में भी मैं स्केप ही नहीं कर पाया।
पे यार शिट। और ये मेरे को कहाँ ले आया? अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में जहाँ पे ये आइसक्रीम बनाता है। भाई मैं अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया। चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। भाई मैं ये गेम पूरी एंड करके दिखाऊंगा और वो भी हार्ड मोड पे। तो चलो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।